मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से ताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। अमित शाह से मिले जीतन राम मांझी, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर दिया ये जवाब। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन भी साथ रहे। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मांझी ने कहा कि वो लोकसभा सीट को लेकर मुलाकात करने नहीं आए थे। एनडीए में जो भी सीट दी जाएगी उस पर जीत का प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए को जीत दिलाने में भाजपा का सहयोग करना है, इसी को लेकर विमर्श हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश कुमार पांडे ने बताया कि मुलाकात का एजेंडा एनडीए के सभी घटक दलों को साथ लेकर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने का है। उम्मीद है कि दशहरे के बाद सीट भी तय हो जाएगी। एससी मोर्चा के 2000 कार्यकर्ता करेंगे नड्डा स्वागत। जपा के संस्थापक सदस्य कैलाश पति मिश्र की शताब्दी समारोह तैयारियों को लेकर शुक्रवार को पार्टी प्रदेश मुख्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई। मोर्चा के अध्यक्ष लखेंद्र पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में प्रदेश पदाधिकारी एवं सभी जिलाध्यक्ष सम्मिलित हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बैठक को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से हजारों की संख्या में 5 अक्टूबर को पटना पहुंचने का आह्वान किया। साथ ही पुनाईचिक चौराहे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत में 2000 एससी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को उपस्थित रहने की जिम्मेदारी सौंपी। एससी मोर्चा की बैठक विशेष रूप से कैलाश पति मिश्र जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर बुलाई गई थी।